ऑप्शन बाइंग करते हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए हो, ना ही आपको पता लग पा रहा है आप किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप पांच गलतियां कर रहे हैं अपने डेली ट्रेडिंग में, जिनकी वजह से आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं आपको आपकी ये पांच गलतियां बताने वाला हूँ, साथ ही मैं उनके सोल्यूशन भी देने वाला हूँ, ताकि आपके लिए काफी ईजी हो जाए और आप अपना एक पाथ फाइंड आउट कर लें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। सबसे पहली गलती आप कर रहे हो एज एन ऑप्शन बायर, आपको पता है कि आपको पैसा ऑप्शन ही कमा कर देने वाला है, लेकिन आप अपना ज्यादातर टाइम सिर्फ इंडेक्स को देखने में गुजारते हो। मैं आपको सलाह दूंगा कि इंडेक्स तो आप देखिए, साथ साथ ऑप्शंस के चार्ट को भी देखना स्टार्ट कर दीजिए, साइड बाय साइड लगा लीजिए। उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शंस और इंडेक्स क्या साइमल्टेनियसली बिहेव कर भी रहे हैं या नहीं। पता चला आपने किसी ऐसे ऑप्शंस में प्रीमियम में आपने एंट्री ले ली जिस समय उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था, आजकल ऑप्शंस को देखकर भी इंडेक्स मूव करने लग गया है, तो आपको ये देखना होगा कि ऑप्शंस का डाटा कैसे मूव करता है। ऑप्शन में भी सपोर्ट एंड डिस्टेंस आजकल बहुत अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि ऑप्शन का चार्ट क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ इंडेक्स के चार्ट पर टाइम वेस्ट मत करिए, इंडेक्स के साथ साथ ऑप्शन के चार्ट को भी डीपली स्टडी करिए। उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपना पाथ फाइंड आउट कर लोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कब एंट्री लेनी है और कब नहीं। दूसरी गलती क्या ऑप्शन बायर कर रहा है कि आप आरआर को सीरियसली नहीं ले रहे हो। आई नो आपको सब पता है कि 1:3 निकालना है, 1:2 निकालना है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो कभी भी आप रिस्क मैनेजमेंट को कभी सीरियस नहीं ले रहे हो, आप अर्ली प्रॉफिट बुक कर ले रहे हो। आपको जानना होगा कि एज एन ऑप्शन बायर आप तभी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओगे जब आप मिनिमम 1:3 पर रेशो निकालें। आपको ये सब चीजें पता है, बट आप इन द एंड जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो कभी भी आरआर को सीरियस नहीं लेते हो। पहला रूल आपका यही होना चाहिए कि सेटअप स्ट्रेटेजी कोई भी हो, बट आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पर ही अटल रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको लॉस हो जाए छोटा छोटा, लेकिन अगर आप आरआर के साथ रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तीसरी गलती एक ऑप्शन बायर कर रहा है, वो अपने स्टॉप लॉस को मूव करता रहता है। आपको पता है कि आपने अगर एक एंट्री लेने से पहले एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, जब आपके स्टॉप लॉस के पास मार्केट आ जाती है तो आप उसको धीरे धीरे और मूव करने के लिए स्पेस देते रहते हो, जो कि काफी गलत अप्रोच है। अगर आपको स्टॉप लॉस देना है तो ट्रेड लेने से पहले ही बड़ा दे दीजिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए, रिस्क मैनेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट आप क्या करते हो, क्वांटिटी अपने हिसाब से लेते हो और स्टॉप लॉस छोटा देते हो, उसके बाद उसको मूव करते रहते हो करते रहते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि आपका पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाता है या आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कभी भी अगर एक बार आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया तो उसको मूव ना करें। हो सकता है आप स्टॉप लॉस गलत दे रहे हो, तो उसके लिए आप एक पोजीशन साइजिंग कम कर लीजिए, स्टॉप लॉस थोड़ा पहले ही बड़ा दे दीजिए, बट कभी एक बार स्टॉप लॉस देने के बाद उसको कभी मूव मत करिए। आप क्या करते हो, नीचे की तरफ शिफ्ट करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, और एक टाइम आता है कि वो काफी बड़ा लॉस हो जाता है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और गलती आप लोग क्या कर रहे हो, आप अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तभी के तभी रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो और बहुत ही कम समय में रिवर्सल ट्रेड ले भी लेते हो। एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, बाई चांस आपने कॉल की तरफ एक पोजीशन बना रखी है और आपका कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो तभी के तभी आप पुट की तरफ एंट्री बना लेते हो, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मेरा कॉल की तरफ में स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो चांसेस ज्यादा हैं कि अब पुट में मार्केट जाएगी, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। ये इन द एंड आपको बड़े लॉसेस इन सब प्रोसेस से हो जाएंगे। आपको बिल्कुल ही अपने सेटअप पर ट्रेड लेना है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो भी गया है तो थोड़ा शांत रहिए, देखिए कितना स्टॉप लॉस आपका था, कितना हिट हुआ है, और उसके बाद दोबारा प्रॉपर सेटअप पर ही एंट्री लीजिए। कभी भी फॉर्मों में और लॉस हो गया इस चक्कर में रिकवर वाले प्रोसेस में मत जाइए, ये आपको इन द एंड एक बड़े लॉसेस देने वाला है। ये गलती एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ट्रेडर भी कर देता है कि अगर उसने एक ट्रेड एक पर्टिकुलर साइड बना रखी है और वहां से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो रिवर्सल प्लान कर लेता है तभी के तभी बिना कोई सेटअप के। ऐसा कभी नहीं करना है, आपको प्रॉपर सेटअप पर ही ट्रेड करनी है। और फिफ्थ मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो, वो आप अर्ली प्रॉफिट बुक कर ले रहे हो। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप इतने स्टॉप लॉस देख चुके हैं कि आपको छोटा प्रॉफिट भी एक अच्छा लगने लगता है। इसका सीधा सॉल्यूशन ये है कि आपको अगर आपने आरआर अपने इंटैक्ट कर लिया तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको पता लग गया कि आज मुझको लॉन्ग टारगेट के लिए जाना है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा और उस दिन आप अर्ली प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। कैसे पता लगता है कि हम लॉन्ग टारगेट के लिए जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि आज ट्रेंडिंग डे है क्या, और ये सब चीज़ कैसे पता लगेगी ट्रेंडिंग डेज है या वोलेटाइल डेज है, ये मैं आपको वेल अकेडमी में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, यहाँ से देख लीजिए। ये प्रॉपर मैंने भी डिटेल बता रखा है कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग डेज कब होने वाले हैं, वोलेटाइल डेज कब होने वाले हैं, ताकि आप उस हिसाब से ही अपने प्रॉफिट बुक कर सको। तो ये पांच मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग में कर रहे हो, अगर आपने इनको सुधार लिया तो आपको एक महीने के अंदर ही अपनी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, सिर्फ इन प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे मेजर लॉसेज हो रहे थे और प्रॉफिट कम हो रहे थे, बट अगर आपने इसको सुधार लिया तो हो सकता है आप धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बढ़ जाएं। आई होप आपको आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। कुछ भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।